सैयानों की भाषा समझना। काका, ऐसे लग रहा है मैं सिर्फ कमरे से बाहर नहीं, अपने आप से बाहर आ रहा हूँ। दादी बुआ, मुझे खाना बनाना है। ये क्या, हरे चने की करी और मेथी मोटिया? और किसके लिए लेके जा रही है? डॉक्टर आशुतोष के लिए। मैं भी देखती हूँ कैसे ले जाती है। आशुतोष, मेरी राय में तुम उस घर के बारे में भूल ही जाओ तो बेहतर होगा। उस घर को भूल जाऊं? हरगिज़ नहीं। एक बार प्लीज मेरी बात उनसे करवा दीजिए। किसका फोन है बाबा? वही जो हमारा घर खरीदने में इंटरेस्टेड है। नहीं बाबा, मुझे उनसे बात नहीं करनी। मुझे बाहर जाना है, मैं लेट हो जाऊंगी। आप बात कर लीजिए, बोल दीजिए कि मैं वो घर बेचने के मूड में नहीं। बाय। हेलो, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। संजीवनी जी, मेरी बेटी वो घर बेचना नहीं चाहती, सॉरी। मैंने कहा था ना, वो बेचने को तैयार नहीं है, तो फोन पर भी नहीं आई। How rude is this girl? फोन पर आने को तैयार नहीं। मेरी नफरत उसके लिए 100 गुना बढ़ रही है। I hate her. I hate her like nothing else in this world. काका, मुझे अंदर ले चलिए। यहां बाहर नहीं रहना मुझे, मैं कमरे में ही ठीक हूं। चलिए काका। संभाल के, बाय। दादी बुआ, जब आप आगरा गई थी ना, तब से इस घर में अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। हमें तो डर लगने लगा। ये क्या हुआ मनहूस, कुछ बताएगा भी कि ऐसे ही बस? आजकल पता नहीं निधि बीबी जी को क्या हो गया। एक दिन हमने देखा, एक टांग पर चल रही थी। हाँ, आजकल खोई खोई सी रहती है। पहले जैसे हमेशा हंसती थी, बोलती थी, वैसा नहीं है। योगराज ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। जब भी मैं उसे फोन करके कहती थी, यही बोलता था, सब ठीक है, सब ठीक है। दादी बुआ, कुछ ठीक नहीं है। दादी बुआ, कुछ ठीक नहीं है। इस घर पर जरूर किसी भूत का साया पड़ गया। भूत? अरे कैसा भूत, कौन सा भूत? वही निधि बीबी जी के घर वाला भूत। वो वाला घर जो कोई निधि के नाम कर गया? जी। पर तू वहां कैसे पहुंच गया? तुझे कैसे मालूम कि वहां पर भूत है? हमने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से। अरे कब देखा? जब निधि बीबी जी और अंजी बीबी जी वो घर देखने गए थे, बीबी जी के सर पर वो भूत सवार हो गया। लंबा, गोरा, हैंडसम, उसने सूट भी पहन रखा था। सूट पहन रखा था। बेटा, इतना गुस्सा क्यों? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, भूल जाओ उस घर को।
वकील साहिबा भी यही कह रही हैं। वो घर तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा बेटा। वो घर मेरे जीने का मकसद है कक। नफरत करता हूं मैं उन लोगों से, और भी नफरत करता हूं। नफरत करता हूं मैं चल सकता हूं, अपाहिज नहीं हूं मैं। आप काका दरवाजा बंद कर दीजिए, बाहर जाकर दरवाजा बंद कर दीजिए, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। दरवाजा बंद कर दीजिए ना काका। टेक द डिक्टेशन, द पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट agrees to pay the party of the second part the sum of rupees नमस्ते काका। नमस्ते डॉक्टर आशुतोष। बेटे का मूड बहुत खराब है बेटी, वो किसी से बात नहीं करना चाहता। उसने मुझसे कहा है किसी को मिलने ना दूं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? कुछ पुरानी यादें हैं बेटी जो आशुतोष का पीछा नहीं छोड़ रही है, और आशुतोष उन्हें अपने से अलग नहीं करना चाहता। कैसी यादें काका? वही घर जो आशुतोष को ना देकर किसी और को दे दिया गया है, वो घर आशुतोष की जान है बेटी, उसके बगैर वो रह नहीं सकता। और जिनके पास वो है वो उसे लौटाना नहीं चाहते। नहीं बेटा, वो गुस्सा करेगा तुम पर भी और मुझ पर भी। मुझ पर गुस्सा करेगा तो कोई बात नहीं, तुम पर गुस्सा करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर होगा तुम वापस लौट जाओ। काका एक बार पूछिए तो सही। ठीक है, बेटा देखो तो वो तुमसे मिलने कौन आया है। काका मैंने कह दिया ना, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। लेकिन बेटा वो कह दिया ना काका।
देखा? ठीक है काका, आप ये रख लीजिए। ये क्या है बेटी? हरे चने की करी और मेथी मोठिया। बेटे की पसंद। और ये गुलाब और नोट भी नहीं दे दीजिएगा? ठीक है, दे दूंगा। नमस्ते। नमस्ते। अरे श्यामा, तुम्हें मालूम है मैंने शाहरुख से बात की। शाहरुख कौन? अरे भाई शाहरुख खान, और कौन, वही जिसकी एक्सक्लूसिव ड्रेस डिजाइनर अपनी अंजी है। ये आपसे किसने कहा? खुद शाहरुख ने। अच्छा फिर? उसने बोला भोली भाली नाजुक हिरनी की पीठ पर आटे की बोरी मत ला दिए। मगर अपने पास हिरनी कहाँ है? अरे श्यामा, हिरनी यानी अपनी अंजी, उसी के बारे में शाहरुख मुझे एडवाइस दे रहा था कि हम अपनी बेटी अंजी को फैशन डिजाइनर बनाएं। अरे वो ये भी बोल रहा था कि कल्पना की हरी भरी फूलों वाली वादियां हैं जहां हमारी अंजी कुलांचे भरेगी। मेरे ख्याल से वो कोई यश चोपड़ा जी की लोकेशन की बात कर रहा था। अच्छा, फिर आपने क्या डिसाइड किया? अब डिसाइड क्या करना है, वही हम अंजी को फैशन डिजाइनर बनाएंगे। तो आप खुद जाके अंजी से कह दीजिए, वो बहुत खुश हो जाएगी। अंजी खुश तो शाहरुख खुश। मैं अभी जाके अंजी को बताता हूँ। इतना गुस्सा अच्छा नहीं बेटा। वो डॉक्टर निधि आई थी, हरे चने की कारी मेथी मुठिया के साथ और एक गुलाब चिट्ठी के साथ छोड़ गई है। आपने बताया क्यों नहीं काका? मैं तो तुम्हें बता ही रहा था लेकिन तुमने सुना ही नहीं, तो लाऊं? वो सब्जी बड़ी मेहनत से बनती है बेटा। हाँ लाओ ना। अंजी बेटा। ना, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मेरी बेटी अंजी फैशन डिजाइनर ही बनेगी। I mean it, beta. Thank you, mama. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, मुझे नहीं, शाहरुख को बोलना। शाहरुख कौन? वही शाहरुख खान, तुम्हारा क्लाइंट। ओह, अपना शाहरुख? Yes. Oh. पर तुझे मेरा एक काम करना होगा। Anything, papa. Anything. शाहरुख खान से मेरा इंट्रोडक्शन करवाना होगा। पापा, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं शाहरुख खान का मैं लीगल एडवाइजर बनूं। यू नो वील गो अ लॉन्ग वे। यस पापा, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। कितना अच्छा लगेगा जब मेरे विजिटिंग कार्ड पर यह छपा होगा, लीगल एडवाइजर टू ऑल लीडिंग फिल्म स्टार शाहरुख खान, आमिर खान एंड नन अदर देन मिस्टर बच्चन। फैशन डिजाइनिंग, यस 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 यस, ओह माय गॉड।
थैंक यू। थैंक यू। किस लिए? पापा ने मुझे फैशन डिजाइनिंग करने की परमिशन दे दी है, और सिर्फ आपकी वजह से। कांग्रेचुलेशंस। लेकिन सुनिए, ये अब थैंक यू मैं फोन पर नहीं लेने वाला हूँ। आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, स्पेशली जब सिर्फ आपसे बात करने के लिए मुझे रंगनाथ से शाहरुख खान बनना पड़ा। आपको यहाँ पर हॉस्पिटल आना पड़ेगा और मुझे पर्सनली थैंक यू बोलना पड़ेगा। ओके ओके, हाय, बाय बाय। बेटा, ये चिट्ठी और गुलाब। काका काका, वो हरे चने की कारी। बेटा, वो ठंडा हो गया था, गरम कर रहा हूं। और खाने के बाद डॉक्टर निधि को फोन करके शुक्रिया कहना, बेचारी तुम्हारे गुस्से की वजह से वापस लौट गई। हाँ तो ठीक है ना काका, कह दूंगा, वो गरम करके ले आई। निधि, तू कब आई? निधि, guess what? पता है आज क्या हुआ? पापा ने मुझे फैशन डिजाइनिंग करने की परमिशन दे दी। What? Wow, that's wonderful. Yeah. Great, yeah. I'm so happy for you. अब तुझे क्या हुआ? डॉक्टर आशुतोष को तेरी हरी चने की करी और मेथी मुठिया पसंद नहीं आई क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो इतनी परेशान क्यों लग रही है? निधि, ऐसी कौन सी बात है जो तुझे इतना दर्द दे रही है? दर्द इस बात का है अंजी कि मैं उनका दर्द बांट नहीं सकती, मैं उनका मरहम नहीं बन सकती। हीनामन काका ने मुझे बताया कि कुछ पुराने जख्म हैं जो उनका पीछा नहीं छोड़ते और जिन्हें वो भी खुद से अलग नहीं करना चाहते। क्यों हो रहा है ये? क्या हो क्या रहा है मुझे? What is happening to me? You know, मेरा मन कर रहा है कि अगर मेरे बस में होता ना, मैं कुछ भी करके वो घर उन्हें वापस दिलवा देती। पता नहीं कैसे अजीब लोग हैं वो जो डॉक्टर आशुतोष जैसे इंसान को परेशान कर रहे, वो भी उस घर के लिए जो उनके जीने का मकसद है। इतना इंपॉर्टेंट है उनकी की जान है वो घर। काश मुझे वो लोग मिल जाए जिनके पास वो घर है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।